नमस्ते, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं दिल लल्लन टॉप। आज तारीख है 24 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने का दिन। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की उस इकलौती सीट का रिजल्ट जहां बीजेपी और शिवसेना ने अपनी पार्टनरशिप एक किनारे रख दी थी। इस सीट का नाम है कनकावली। ये सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटों में से एक है। यहाँ बीजेपी के नितेश राणे ने शिवसेना के सतीश सावंत को 28,116 वोटों से हरा दिया है। 2014 के विधानसभा चुनाव के समय नितेश राणे कांग्रेस में हुआ करते थे, तब उन्होंने बीजेपी के प्रमोद शांताराम को हराया था। कनकावली की ये सीट कोंकण के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना के पास गई थी ये सीट। कनकावली का ये चुनाव काफी सुर्खियों में रहा, वजह ये कि यहाँ शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे। नितेश राणे के पिता नारायण राणे की कहानी जुड़ी है इससे, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस से पहले नारायण राणे शिवसेना में थे। साल 2005 में उन्होंने बगावत की और शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में आ गए। साथ में अपने पाले के विधायक भी लेते गए। कोंकण में शिवसेना के लिए बड़ा झटका था ये। नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया था। उद्धव ने तब अपने पिता की नई नई विरासत संभाली थी। उद्धव और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना नारायण राणे की वो बगावत कभी नहीं भूली। बाद में नारायण राणे ने अपनी अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष। अभी 15 अक्टूबर को ये बीजेपी में मिल गई। नितेश को जब कनकावली से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, तो राणे परिवार से अपने पुराने अतीत के कारण शिवसेना को ये बड़ा नागवार गुजरा। शिवसेना ने नीतीश के मुकाबले चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार सतीश सावंत को अपने साथ कर लिया। बीजेपी और शिवसेना दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं रखी। उद्धव ठाकरे पहुंचे सतीश सावंत के प्रचार के लिए, उधर फडणवीस और अमित शाह दोनों ने नीतीश के लिए कैंपेन किया। शिवसेना ने खुलकर कहा कि वो नहीं चाहते बीजेपी नितेश राणे को टिकट दे। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने ये तक कहा कि उनकी पार्टी नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री फडणवीस नितेश के लिए चुनाव प्रचार करें, मगर शिवसेना के विरोध के बावजूद बीजेपी नितेश के साथ डटी रही। कनकावली की ये प्रतिस्पर्धा आगे बढ़कर सिंधुदुर्ग की बाकी दोनों विधानसभा सीटों कुडाल और सावंतवाड़ी तक भी पहुंच गई। इन दोनों सीटों पर नारायण राणे ने अपने करीबी सहयोगियों को बतौर निर्दलीय प्रत्याशी शिवसेना के आगे खड़ा कर दिया। फिर बीजेपी ने इन कैंडिडेट्स को अपना समर्थन भी दे दिया और इस तरह पूरा सिंधुदुर्ग बन गया एक क्यूरियस केस। सिंधुदुर्ग की तीनों ही सीटें कनकावली, कुडाल और सावंतवाड़ी शिवसेना और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गई। नारायण राणे की सिंधुदुर्ग में अच्छी पकड़ है, बीजेपी यहाँ कमजोर है। उसे लगा कि नारायण राणे के साथ वो यहाँ भी अपना बेस बना सकेगी। बीजेपी की इस रणनीति का पहला हिस्सा नितेश राणे की जीत के साथ कामयाब होता दिख रहा है। ये वीडियो किए जाते समय तक कुडाल सीट पर शिवसेना के प्रत्याशी वैभव विजय नाइक करीब 14,500 वोटों से आगे चल रहे थे। सावंतवाड़ी में भी शिवसेना के कैंडिडेट दीपक वसंतराव के सारकर 13,228 वोटों से आगे थे। इतने अंतर को देखते हुए इन दोनों जगहों पर तो शिवसेना की जीत तय दिख रही है। उसके लिए यही संतोष होगा कि कनकावली ना सही, कुडाल और सावंतवाड़ी में तो जीत मिली। ये तो था कनकावली सीट का हालचाल। अब एक जरूरी जानकारी आप सबके लिए। 1, 2 और 3 नवंबर को दिल्ली के IGNCA यानी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में लल्लन टॉप अड्डा लग रहा है। यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है। सबसे बढ़कर तो मौका है 1,00,000 रुपये जीतने का। इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, कई सारे इनाम हैं। और अगर आपके पास कोई कायदे का टैलेंट है जिसे आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ हम आपको देंगे प्लेटफॉर्म। इन सब के अलावा यहाँ आप बातें कर सकते हैं, मिल सकते हैं ढेर सारे सेलिब्रिटीज़ से, अपने दिल की बात कर सकते हैं उनसे। तो अपनी तारीखें लॉक कर लीजिए और हमसे मिलने आइए लल्लन टॉप अड्डा। हम वहां आपका इंतजार करेंगे। शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए।
तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा। लल्लन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। लल्लन टॉप अड्डा, जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे। साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए लल्लन टॉप अड्डे पर, दिखाइए अपने हुनर का कमाल। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में।